सब भगा रहे वहाँ। अच्छा वहाँ पानी फेंक रहे हो लोग, गर्म पानी फेंक रहे हो लोग। पर छोड़ो, अभी हम लोग घर निकलते हैं क्योंकि यहाँ पे रहना भी ज़्यादा सेफ नहीं है। मैं यहाँ पे आया था इंटरव्यू के लिए और यहाँ पर आके पता चला कि यहाँ पे कि कोई भी बस यहाँ पे चल नहीं रहा है। बस नो वाई क्या रीज़न है, पर पूरा हावड़ा ब्रिज ब्लॉक है। वहाँ से गर्म पानी वाला फेंक रहे थे, पता है नाक जल रहा है पूरा, जो सब भाग रहे इसकी वजह से। मेरे नोक और मेरे नाक और मेरा आग अभी जल रहा है, पता है ऐसे क्या छोड़े लोगों ने अभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज कोई प्रॉपर व्लॉग नहीं होने वाला है आज, बस ये फॉर्मल लड़का को तुम्हें पहली बार शायद देख रहे होंगे इस पूरे फॉर्मल सूट में। आज है अपना इंटरव्यू, और वैसे इस इंटरव्यू का मुझे कल ही पता चला था कि अपना, क्योंकि कल मेरे को मेल आया था तो सोचा कि चलो इस इंटरव्यू में चलते हैं। अपना इंटरव्यू जिस जगह होने वाला है वो एक्चुअली कोलकाता में एक मैदान है, हावड़ा के आगे आता है। तो अभी का प्लान ये कि यहाँ से पहले गोबरा से गोबरा टू हावड़ा लोकल ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, और वो लोकल ट्रेन अपना 12:23 पे आएगा। और मैं जिस कंपनी में जा रहा हूँ इंटरव्यू देने के लिए, उस कंपनी का नाम है कैरेवन ट्रेवल्स। ये ऐसा जॉब है ना जो मेरे दिल को छू गया आज पहली बार, क्योंकि हम जिस फील्ड के हैं ना उस फील्ड का जॉब अभी हमें मिलने वाला नहीं, अगर इंटरव्यू क्लियर होगा तो मिलेगा। और ये वीडियो अगर मेरा इंटरव्यू क्लियर हो या ना हो इसको तो डालना है। और अभी राइट नाउ अभी टाइम हो रहा है 11:50, और ये आज कोई अपना सेटअप नहीं है, बस ऐसे ही मैं व्लॉग अपना फ़ोन से कर रहा हूँ। कोई ट्राइपॉड कोई माइक नहीं है क्योंकि उतना मैं मूड में हूँ नहीं, जैसे एक नॉर्मल 5 to 6 मिनट से वीडियो ये होने वाला है। बस चलते फिर। और हाँ, जो जॉब है ये जॉब है ट्रैवल कंसल्टेंट के बारे में, थोड़ा एक्साइटेड तो हूँ, चलते हैं। आज एक चीज़ अच्छा है कि आज बारिश नहीं हो रहा, थैंक गॉड आज बारिश नहीं हो रही। आज का मौसम, आज मौसम है बारिश का पर पूरा बादल तो दिख नहीं रहे और बारिश भी नहीं हो रहा, अच्छा नहीं हो रहा। क्योंकि इस फॉर्मल पहनने के बाद अगर बारिश हो तो मेरा पूरा दिमाग खराब हो जाता है। चलते अभी ये टिकट लेते हैं पहले यहाँ से गोबरा टू हावड़ा का, देन फिर वहाँ से बस पकड़ के फिर अपना जो लोकेशन है वहाँ पे अपना 2 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है वहाँ पे ऑफिस में। पहले टिकट लेते हैं यहाँ से गोबरा टू हावड़ा। हाँ रिटर्न भी देना, थैंक यू। तो अभी अपडेट ये है कि हम लोग हावड़ा भी जाते हो गए, हावड़ा आ गए स्टेशन पर। ये क्या है कि अभी हम इंटरव्यू के लिए लेट है, अपना टाइम था 2 बजे और अभी 2 बज चुका है। ट्रेन ही दो ट्रेन तो एक्चुअली कैंसिल हो गया था और अभी एक ट्रेन भी 1 घंटे से लेट था। अभी यहाँ बस स्टैंड पे है। अभी अपडेट क्या है, मैं यहाँ पे आया था इंटरव्यू के लिए और यहाँ पर आके पता चला कि यहाँ पे कि कोई भी बस यहाँ पे चल नहीं रहा है, बस नहीं चल रहा है कोई भी। 4 बजे के बाद सारी बस चलना शुरू होगी। और यहाँ पे एक्चुअली अभी का सीन पता कैसे हावड़ा का, देखो आई डोंट नो वाई क्या रीज़न है, पर पूरा हावड़ा ब्रिज ब्लॉक है, पूरा हावड़ा ब्रिज। और मेरा इंटरव्यू 2 बजे का था, 2 बज भी चुका है अभी और मैं लेट हो रहा हूँ इंटरव्यू के लिए, पता नहीं क्या हो। सर ये जाम कब खुलेगा, कब खुलेगा मालूम नहीं। पता नहीं, यहाँ पे फायर ब्रिगेड भी बुला के रखा है यार, कुछ सीन चल रहा है आई थिंक। यहाँ पे फायर ब्रिगेड भी है मेरे यहाँ से, कोई तो बड़ा पंगा होने वाला है यहाँ पे, कुछ चल रहा है आई थिंक। यहाँ पे फायर ब्रिगेड भी, ऊपर से पुलिस भी थे सारे। और यहाँ पे पूरा बैरियर्स लगा के रखे हैं लाठी से, पूरा ब्लॉक किया पूरा रोड ब्लॉक लगा के। यहाँ से रास्ता नहीं आ गया, आज ही इंटरव्यू और आज ही ब्लॉक करके रखा है।
स्पेशल स्पेशल फोर्स भी है इसकी वहाँ पे, स्पेशल फोर्स भी आया वहाँ पे, उसको चल रहा है यार। क्या जाने नहीं दे रहे क्या? कैसे जाएगा? अरे यार सबको मना कर रहे हैं यहाँ से, दोबारा रिटर्न बेच रहे हैं लोग सबको यार। जो 2:20 हो गया और मेरे इंटरव्यू का टाइम भी निकल चुका है। आई थिंक ये लोग लाठी चार्ज कर रहे हैं। अरे यार आज पहली बार किसी फेवरेट जॉब का इंटरव्यू था वो भी निकला आज से, तो रास्ता नहीं है दोबारा जाने का। भाई सब भाग रहे हैं यहाँ से, पूरी जगह सब भाग रहे हैं। भाई सब भाग रहे हैं यहाँ से, सब भाग रहे हैं। आगे शायद लाठी चार्ज हो चुका है आगे, और वो लोग शायद गर्म पानी फेंक रहे हैं फायर ब्रिगेड से। आई थिंक वो लोग उन्होंने लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया और आई थिंक वो लोग गर्म पानी फेंक रहे हैं। पता नहीं कुछ तो है, मैं आगे जा भी नहीं पा रहा और अभी दोबारा घर जाना पड़ेगा। इंटरव्यू तो गया अपना आज का, जो भी इंटरव्यू था सब कैंसिल कैंसिल किया, मेरे सब बर्बाद हो गया यार। पता नहीं, मैंने उनको मेल तो किया है मैंने कि मैं आज नहीं आ पाऊँगा, तो तब भी देखते हैं यार क्या है। यहाँ पे अभी का सीन देखो, पूरी पुलिस वाले यहाँ पे सब भगा रहे वहाँ। अच्छा वहाँ पानी फेंक रहे बोले, गर्म पानी फेंक रहे बोले। देखो अभी इन लोगों ने कोई गैस छोड़ा है, पता नहीं गैस छोड़ा है कोई, पूरा नाक जल रहा है पूरा, पता है नाक जल रहा है पूरा, जो सब भाग रहे इसकी वजह से। मेरे नोक और मेरे नाक और मेरा आग अभी जल रहा है, पता है ऐसा गैस छोड़ा है लोगों ने। अभी सब जा रहे, अभी देखो पता नहीं किस पर गैस छोड़ा यार, रियली नाक तो जल ही रहा है और आग भी थोड़ा जल रहा है अभी धीरे धीरे। खैर छोड़ा यार, यहाँ आए थे इंटरव्यू देने, सब बेकार हो गया अभी अपना। सर जितनी पब्लिक है सब भी रिटर्न घर जा रहे हैं, हम भी उन्हीं में से एक है। देख लो इंडिया में, इंडिया के वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट क्या क्या करती है यार अभी। अभी और क्या, घर निकलते हैं यार। अभी इंटरव्यू तो स्पॉइल हो गया, मैंने अपनी कंपनी को मेल भी किया है कि आज मैं नहीं आने वाला कि ये बीच में कुछ ऐसा चल रहा है। तो यहाँ पे किस तरह से हमें ब्लॉक किया हुआ है इस रोड को पूरा, और जो गर्म पानी फेंक रहे थे वो उसके ऊपर से वहाँ से गर्म पानी वाला फेंक रहे थे। वैसे भी मैंने अभी अपने ऑफिस वाले को खड़े हुए पे मैंने मेल भी किया था, मतलब रिप्लाई भी आया उनका कि ठीक है कोई बात नहीं कल 2 बजे आ जाना। तो आज तो नहीं हो पाया, पर थैंक गॉड उनका रिप्लाई तो आया एटलीस्ट कि कल आ जाना। तो अभी कल इंटरव्यू अपना, ये सब तो आज तो चलता रहेगा आई थिंक रात तक। पुलिस वाले बोल रहे थे कि यहाँ पे 4 बजे तक चलेगा, पर छोड़ो अभी हम लोग घर निकलते हैं क्योंकि यहाँ पे रहना भी ज़्यादा सेफ नहीं है। मैं तो आया था इंटरव्यू के चक्कर में, पर अभी ये सब कांड हो गया यहाँ पे। खैर छोड़ो अभी घर निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि अभी घर से मॉम को भी कॉल आया था कि जॉब तो हज़ारों ही मिल जाएगी वापस है, लाइफ तो एक ही है। खैर छोड़ो अभी घर निकलते हैं और इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। पर देखो पता नहीं, ये आई थिंक सामने मैंने पूछा तो बोल रहे थे कि जो बीजेपी है ना उनके चक्कर में ऐसा हो रहा है, उनकी वजह से यहाँ पे ऐसा हो रहा है। अब मुझे टोटल पूरा आइडिया है तो नहीं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पे, पर यहाँ के जो लोकल्स वो लोग बोल रहे थे कि बीजेपी वाले बंदे आ गए वहाँ बैठे हुए, आई थिंक ये लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, ये यहाँ का रीज़न है। छोड़ो फिर ब्लॉक में एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर एंड जो भी करो दिल से करो, और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर इन सब सीनारियो से ना दूर रहा करो। बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। पर तो ये लोग सब कैसे एकदम कोने में सब बैठे हुए हैं यहाँ पे आराम से, क्योंकि वहाँ पे फोटो शूट भी चल रहा है। मेरे को पता नहीं ऐसे सिनेरियो में लोग फोटो कैसे खींच लेते हैं यार, ब्लॉग करना अलग बात है।